वेसू केनाल रोड ना जेडी गोयंडा स्कूल पास आवेल टोरेंट नामना हाईराइज रेसिडेंसी प्रोजेक्ट नो ग्रांड एवोर्ड सेरेमनी कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। सूरत शहर ना बोस विस्तार एवा वेसू केनाल रोड पर निर्माणधीन टोरेंट हाईराइज प्रोजेक्ट ना एवोर्ड सेरेमनी में भाग लेनार मोटी संख्या में इंटीरियर डिजाइनरे भाग लीधो हतो, जेमां प्रथम त्रण क्रमांक में विजेताओं ने एवोर्ड आपी सन्मानित करवामां आव्या हता। हेलो, मैं सुमंत काचरू, फाउंडर ऑफ एसैक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम लोग वाइट विंग्स ग्रुप का टॉरेंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जिग्नेश भाई जो हमारे साथ हैं, वो और मैं एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि वेसू के अंदर खुले प्लॉट्स के अंदर बहुत बार मार्बल, टूटे हुए WC, कांच, ये सब पड़ा हुआ दिखता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बिल्डर तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बना के देता है, लेकिन जो रहने वाले होते हैं लग्जरियस फ्लैट्स के अंदर, अपनी चॉइस के हिसाब से बनाने के लिए पुराना बिल्डर का दिया हुआ तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। उससे पर्यावरण का भी डैमेज होता है, साथ में अपनी जो लागत है उनकी बढ़ जाती है, पैसा भी वेस्ट होता है। तो ये ना हो उसके लिए हम दोनों ने इस तरह सा एक आयोजन किया कि टॉरेंस अपार्टमेंट बेस बिल्ड ही दिया जाए, मतलब एक खुला मैदान जिसके अंदर जिसको अपने परिवार के हिसाब से जो स्टाइल जो टेस्ट है वो लगा सके। अब लोगों को ये चीज़ मालूम पड़े और जो डिज़ाइन की कम्युनिटी है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए हम लोगों ने वाइड विंग्स टॉरेंस करके कॉम्पिटिशन बनाया जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मेरे ख्याल से इस दुनिया का पहला डिज़ाइन कॉम्पिटिशन और जो पूरा का पूरा डिजिटली हुआ है। आज तक इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट और जज ने एक दूसरे को देखा नहीं है, बड़ी ही कॉन्फिडेंशियली ये हुआ और बढ़िया से बढ़िया लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 44 जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 17 फाइनलिस्ट हुए और वो 17 फाइनलिस्ट में से 4 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा आज की सेरेमनी के अंदर। आई एम द ओनर ऑफ वाइट विंग्स ग्रुप। वाइट विंग्स के बारे में बोलूँगा तो हम लोग ने मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलप किया है और मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं सूरत में। एक टॉरेंस अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए कि सूरत का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसको ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से प्लैटिनम रेटिंग मिला हुआ है अंडर IGBC CCI के तरफ से। सो ये कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग ने ये इवेंट पूरा रन किया, जैसे सुमन भाई ने आपको बताया कि हम लोग ने नेकेड फ्लैट ही दे रहे हैं इसके अंदर, ताकि एक वेस्टेज नहीं जावे और एंड यूज़र्स को इसका बेनिफिट मिले, वो जो पैसा जो जा रहा है उनका वेस्ट नहीं जावे। और ये कॉम्पिटिशन रन करने का 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो यंग इंटीरियर आर्किटेक्ट टीम है उनको हम लोग ने अपॉर्चुनिटी दी ये अपने प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, उसके फ्लैट्स के अंदर इंटीरियर बनाने के लिए, उसमें से हम लोग ने विनर्स डिक्लेयर करे हैं और वो विनर्स और जो पार्टिसिपेंट आज आए हुए हैं यहाँ पे, और जो एंड यूज़र्स हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी आए हुए हैं, तो एक दूसरे को एक बिज़नेस शेयर कर सकते हैं। ये सबसे सबके लिए विन विन पोजिशन हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को इसके लिए आया कि हम लोग सुबह जब चलने जाते हैं तो मैं देखता हूँ सब डम पड़ा हुआ रहता है, बेजिन पड़े रहते हैं, टाइल्स पड़ी रहती हैं, POP पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वेस्ट जाता है, तो ये अपन ऐसे भी लग्जरियस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें अपन नेकेड देने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, कस्टमर का भी फ़ायदा रहेगा और नेचर मदर अर्थ को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, और हम लोग ग्रीन बिल्डिंग के सबसे जो कॉन्सेप्ट था उसका भी एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ये हिसाब से हमने सोच बनाई कि ये हिसाब से ही हमको करना चाहिए, और ये आइडिया तो मैं और सुमन भाई बैठे थे और थॉट प्रोसेस में ही ये इवेंट जो पूरा डिजिटली रन किया कोविड के टाइम पे। सो दिस वाज एन जस्ट हम लोग बैठे थे, चाय पीते थे, हमने सोचा कि क्या यूनिक इसमें करें, तो फिर ये एकदम से आइडिया हुआ कि अपन ऐसा कुछ करें तो कैसा रहेगा, अलग ही रहेगा एकदम, ठीक है अपन कर देते हैं। हाँ, और कोरोना की वजह से एकदम समझो सब इंटीरियर आर्किटेक्ट सब जगह पे काम तो बंद ही थे, तो उन लोग के भी एक जोश आ गया उस टाइम पे, तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और